दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये जो 40 मिनट की आपकी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग बस थोड़ा सा वेट और करेंगे 2-4-5 मिनट के लिए, और फिर हम लोग चालू करते हैं। कंटिन्यू करिए सर। जी सर, मैं कॉल कर लूं सर आपको? हाँ, आप 2 मिनट 1 मिनट बात करके कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक में शेयर कर रहा हूँ सबको। वैसे यूट्यूब लिंक यहाँ से भी ले सकते हैं आप। जी, अभी अभी यूट्यूब लिंक आपके पास आने वाला है, और यूट्यूब लिंक जैसे ही आ जाएगा तो बाकी के लोग जितने भी यहाँ पर जो एड नहीं हो पा रहे हैं, वो यूट्यूब लिंक पर चले जाएंगे कल की तरह, और फिर वो वीडियो की रिकॉर्डिंग भी वहां पर रहती है, आप उसको कई बार जाके देख सकते हैं। तो कोई भी आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है अपने कैमरे से। मैं काफी लोगों को कल देख रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके फोटो खींच रहे थे, कैमरे से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग आपको वहां पर प्रोफेशनली मिल जाएगी। तो आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हैं, आराम से अपना करीब 1 घंटे का डाटा आप अपने पास रखें, और प्रॉपर वे में स्क्रीन पर निगाहें गड़ा के रखें, चीजों को समझने के लिए तैयार रहें। और आज कल से मेरे को काफी खुशी हो रही है आप सब लोगों के चेहरे देख के, सब लोगों का गेटअप देख के, सारे लोगों की तैयारी देख के, क्योंकि ये अल्टीमेट अचीवर है। एक्चुअली अल्टीमेट अचीवर को कभी भी कोई भी एक बार बोल दो, एक बार कमांड दे दो, एक बार समझा दो, और जो चीज आप अल्टीमेट अचीवर से चाहते हो, यही अल्टीमेट अचीवर की पहचान है कि वो तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप इसके लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने लिए। आवाज नहीं आएगी लेकिन हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, वेरी गुड, ग्रेट। तो साथियों, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग, और कल की तरह आज भी हम सर को कंटिन्यू करने के लिए आपके बीच में बुलाएंगे। आप लोग चौंक रहे होंगे कि आज तो संजय जैन जी का नाम प्रमोट किया गया था, किसी कारणवश आज संजय जैन जी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनकी तबीयत में प्रॉब्लम थी। तो अगले 1-2-4 दिनों के अंदर दोबारा से संजय जैन जी आपके साथ आएंगे, और कल की बातों को कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे बीच में दोबारा से हम सबके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और हम सबकी होप, हम सबके आदर्श, हम सबके एक लीडर्स के लीडर, हम सब लोगों को अल्टीमेट अचीवर को यहां तक पहुंचाने वाले, और इस राह में डालने के बाद हम सब लोगों को ये ख्वाब दिखाने वाले कि हम सारे सारे लोगों ने छोटी छोटी आंखों से करोड़ों के ख्वाब देख रखे हैं। जब हम पैदा हुए थे, जिस परिवार में, जिस समाज में, हम लोगों ने अपने बारे में लखपति बनने की भी नहीं सोची होगी, या कभी हमने ऐसा नहीं सोचा होगा जो जिंदगी इस तरीके की हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देखना जिन्होंने हमको सिखाया है, और जिन पर विश्वास करना सिखाया है, 1 करोड़ का चेक लेने का जिन्होंने एक बहुत बड़ा मकसद बनाया था और उसको पूरा करके दिखाया, वो शख्स हमारे बीच में है, हमारे रोल मॉडल है। और एक कंपनी की अगर बात करूं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में, और अकेले इकलौते ऐसे, मतलब क्या है ना, मैन है, लीजेंड है, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारवां बना के दिखाया है। 45 लाख लोगों की टीम पूरे हिंदुस्तान में बना के दिखाई है साथियों। 45 लाख लोग कितने होते हैं, 45 लाख इतने सारे लोगों को किस तरीके से एक सूत्र में बांधा, किस तरीके से एक सूत्र में बांध के, उनसे काम करा के, इतना सारा काम करा के, नेटवर्क बना के वो इतना आगे निकल चुके हैं। तो साथियों, मैं बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं उनको आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। हम लोग दोबारा से ऊपर हाथ करके, खुले हृदय के साथ, बड़ी आंखों के साथ, और बहुत सारी मुस्कान के साथ हम लोग उनको इन्वाइट करना चाहते हैं। बहुत जोरदार तालियां, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जोरदार तालियां, स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवन जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा एक बार, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। जी सर। थैंक यू देवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे अल्टीमेट अचीवर्स का और सुनील लाल जी का। आप लोग आज फिर अगेन मुझे एक बार चांस मिला आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और ये चांस भी दिया हमारे महागुरु जी संजय जैन सर ने, क्योंकि कल उनके दांत में कुछ पेन था तो RCT के लिए डॉक्टर ने एडवाइज कर दिया।
और सर आज आरसीटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि एक बार आज भी आप बात करना, तो एक दो दिन के बाद, चार दिन के बाद जब भी सर फ्री हो जाएंगे या कंफर्टेबल होंगे आ जाएंगे। और इसी का नाम टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम भी कहलाता है, सही है? तो टाइम फ्रीडम है सर को, कभी अगर दांत में दर्द है तो आरसीटी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने सारे उन्होंने लीडर तैयार कर दिए। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर लीडर होंगे तो हमारे ग्रेट माग्रू जी संजय जैन सर की टीम में होंगे। मैं चाहता हूं संजय जैन सर के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। मेरी आवाज वगैरह आई थिंक क्लियर आ रही है? प्रॉपर आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। पीपीटी भी दिखाई दे रही है, यू कैन कंटिन्यू सर। यस सर, मुझे हां ना की कुछ जरूरत पड़ेगी तो आई होप यू विल कोऑपरेट। तो दोस्तों हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, धन्यवाद से, क्योंकि हम ग्रेटफुल हार्ट के इंसान हैं सारे लोग, और हम ग्रेटफुल हैं हमारी नंबर वन कंपनी, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी शेफसॉक के, और हमारे पांचों महान डायरेक्टर्स के, और हमारे सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम, और हमारे सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम के रचयिता मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब और मिस्टर संजय जैन सर, और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश जी, सारे लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अल्टीमेट अचीवर्स के करणदार, और मैं बोलना चाहूंगा सारे के सारे एक लीजेंड जिन्होंने इस अल्टीमेट अचीवर्स की माला को बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर फूलों से पिरोया है, मोतियों से पिरोया है, और इतनी बड़ी एक टीम बना के दिखाई है। मैं चाहता हूं अल्टीमेट अचीवर्स के लिए और इनके सारे के सारे कर्णधार और पूरे अल्टीमेट अचीवर्स के एक एक एसोसिएट के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां, धन्यवाद। दोस्तों हम बड़े लकी हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे को ऐसी कंपनी मिली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो फैशन से लेके किचनवेयर से वेलनेस, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल और एजुकेशनल प्रोडक्ट में डील करती है, और इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रही है। और हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीजें भी हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और लोगों का मानसिक और आने वाले समय का जो विकास है वो भी करने में हम मदद कर पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग भारत की नंबर वन कंपनी है टर्नओवर वाइज, ये हम बोलते नहीं है, स्लाइड में दिखाते हैं। किसी दूसरी कंपनी में कोई दम नहीं है, दूसरी कोई इंडियन कंपनी में दम नहीं है जो ऐसी स्लाइड दिखा सके, क्योंकि हम रियली में जो है उतना ही बता पाते हैं। और बाकी दोस्तों मैं जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा ऊपर वाले से कि गॉड गाइड मी, ब्लेस मी, यूज मी, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ thy हेल्प एंड हीलिंग इन दिस वर्ल्ड एंड सफरिंग एंड पेन। बस इस दुनिया में जो स्प्रिंग पेन और जो भी तकलीफ है वो हमारे माध्यम से दूर हो, इसके लिए हम गॉड से प्रार्थना करते हैं और हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, और भगवान हमें सारे लोगों को शक्ति देता रहेगा। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो आप और हम सारे लोगों के माध्यम से भगवान हमें शक्ति दे कि हम उसका उस अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सोल्यूशन दे सके। आज की डेट में जो प्रॉब्लम है इम्यूनिटी की, उसके बारे में हम इम्यूनिटी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके और यूज करके लोगों को बता सके। और आज की डेट में लोगों को चाहिए एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, हम लोगों को एक पॉजिटिव एनवायरमेंट और एक होप दे सके। दोस्तों ये हमारा बिजनेस है, लेकिन दंगल फिल्म में बहुत बढ़िया से बोला है उसमें जो आमिर खान जी ने जो बने हुए थे, मतलब जो बने हुए थे फोगाट साहब, तो उन्होंने बोला बेटा याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये डायलॉग जिंदगी में सही उतरता है कई बार, जैसे अचानक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे हमारा। और एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि सपना सपना अगर देखोगे तो मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। जब आपकी लॉग आईडी पे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एट द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल, जब आपकी लॉग आईडी पे लिखा रहेगा, लिखा हुआ मिलेगा, तो उस टाइम पे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उस मजा आने से पहले तब तक हमको जैसे क्रिकेटर को झेलना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फील्डर्स को, ऐसे ही और भगवान को, जो विकेट कीपर है वो भगवान की तरह है, तो कहीं पे कोविड की तरह कोई हालात, कोई किस्मत, कोई घर का लोन, किसी का डिप्रेशन, किसी का स्कूल फीस, ये सारी चीजें इन हालातों में उस क्रिकेटर को क्या बनाना पड़ रहा है, अपने रन बनाने पड़ रहे हैं और अपना एक्शन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों एक्शन हमारे को करने की जरूरत है अभी, और कोरोना से डरना नहीं है, हमको लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए करना क्या है, जूम पे धूम मचानी है। क्या करनी है, जूम पे धूम मचानी है। लेकिन
एक बार थोड़ा सा ये जो कि वीडियो मुझे हाथ लगा था, मैं सोचा आपको भी दिखाता हूँ, अच्छा लगे तो एक बार ताली बजा लेना, हंस लेना। दो बातें ना अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। वो क्या? कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अच्छा, और दूसरी? बेगम से लड़ना नहीं डरना है। तो ये वीडियो मुझे लगा था हाथ, मैं सोचा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान देखना मुझे अच्छा लगता है और हमारा फर्ज भी बनता है। हमें हमेशा अपना नजरिया और सोच हमें पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि हमारे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो हमारे मुंह से बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो किसी न किसी का नुकसान पहुंचाता है। कैसे, एक बहुत बढ़िया एक कहावत मैंने देखी कि पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे ही अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हर हाल में हम अपने आप को उबार के ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और लिखा भी है बहुत बढ़िया कि रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। मतलब बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। और दोस्तों, अंदर की कमजोरियां तब तक हरा सकती है जब हम नेगेटिव सोचते हैं और हमारा नजरिया पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नजरिए के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे बड़ा काम करने आए हैं। और हमने दर्शक नहीं बनना, हमने खिलाड़ी बनना है। हमने दर्शक नहीं बनना कि सिचुएशन में अभी क्या होगा देखते हैं, हमेशा हमने मिनिमम नहीं मैक्सिमम करना है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम करना है। मिनिमम होता है, कोई बात भी बोलता है कि सर मिनिमम दो प्लान होने चाहिए, प्लान नहीं, मिनिमम नहीं, हमने मैक्सिमम करना है। ऐसे ही हमेशा और बिल्ड करना है नेटवर्क में, जितने हमारे लीडर्स हैं हमको एक ही कंडीशन मतलब दिमाग में बैठा कर रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी टीम में लीडर डेवलप होने चाहिए। एक कोर है तो दो कोर और बनाएंगे, अगर दो कोर है तो हम चार और बनाएंगे, 100 कोर है तो 200 और बनाएंगे। हमारे को हमेशा और बिल्ड करना है और कोई भी टारगेट नहीं छोड़ना। अगर एक एसोसिएट टारगेट जीतेगा तो मतलब कसम हमारी होनी चाहिए कि हम भी टारगेट जीतेंगे। और इस बार बहुत सारे लोग हैं जो टारगेट जीतने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी टारगेट जीत के दिखाना है। और दोस्तों, अपना समय इस प्रकार लगाएं, जितने भी लोग हैं परलेंट है वो सिल्वर से लेके फ्रेशर से लेके और ऊपर तक के लोगों का एक शेड्यूल हमको बनाना है कि अगर हम फ्रेशर से ब्रॉन्ज लेवल के लोग हैं तो 100% हमारा हमको एक ही काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना और प्लान शो करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान शो करना, अपलाइन की हेल्प लेना। और अगर हम सिल्वर से टोपाज लेवल पे पहुंच गए हैं तो सिल्वर से टोपाज लेवल पे भी पहुंचने के बाद हमको 70% हमारा काम प्लान दिखाने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में लगाना है और 30% टाइम हमने लोगों को कोर बनाने में और टीम को मैनेज करने में लगाना है। और अगर हम पहुंच गए हैं एमराल्ड एंड एबो में, एमराल्ड से डायमंड के बीच में है, तो हमारे को 50% टाइम अपना नई प्लान दिखाने में, अपनी लिस्ट बनाने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में लगाना है और 50% टाइम टीम बिल्डिंग में यानी कि कोर बनाने में और मैनेजमेंट में लगाना है। लेकिन अगर हम डबल डायमंड एंड अबो यानी कि डबल डायमंड से लेके अगर यूनिवर्सल क्राउन नंबर तक हैं हम लोग, तो भी हमको 30% समय तो हमें हमेशा प्रोस्पेक्टिंग में लगाना चाहिए, प्लान दिखाने में लगाना चाहिए और 70% हमारे को टीम बिल्डिंग और कोर बनाने में लगाना चाहिए। दोस्तों, ये जो लोग काम करते हैं ये खिलाड़ी का काम है, और खिलाड़ी हमेशा तब तक खिलाड़ी अपने आप को खिलाड़ी समझता है जब तक वो फील्ड में खेलता है। और फील्ड में खेलने का मतलब यहाँ पे खिलाड़ी का मतलब है जो प्लान दिखाता है, प्रोस्पेक्टिंग करता है, वो खिलाड़ी है। और यहाँ पे हमने दर्शक नहीं बनना, हमने खिलाड़ी बनना है। और खिलाड़ी बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जूम पे धूम मचा दो, जूम पे मचा दो धूम, सही है। जूम पे जो धूम मचाएंगे, कई लोग दम दिखाते हैं, कई लोग धूम दिखाते हैं, लेकिन अभी हमारे को दम दिखाने की जरूरत है। और दोस्तों, लगातार नए लोगों को लाकर अपनी टीम को पोषित करते रहे। अपनी टीम को नर्चर करने का सबसे बढ़िया तरीका आपके पास एक ही है, और वो तरीका है जिसको हम बोलते हैं लगातार अपनी टीम में नए लोगों को लाते रहो, टीम को नर्चर करते रहो, टीम को पोषित करते रहो। और अगर आपने ऐसा किया तो छोटा सा आज जो आप पौधे लगा रहे हो इस कोरोना काल में, आप जो तो जूम पे प्लान दिखा रहे हो, एक एक पौधा उगा रहे हो, वो बाद में बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और उसमें आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें आनंद लेंगी, उसका फायदा लेंगी। और इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ये आपने देखी होगी सीढ़ी पे छोटी छोटी जब स्टेप है तो वहां से आदमी काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। लेकिन केवल बड़ी बड़ी स्टेप, केवल बोला मैं तो मीटिंग ही करूंगा बड़ी बड़ी, मैं तो यही करूंगा, तो आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा काम हो सकता है। और ये बात मुझे समझ में आ गई, एक बात समझ में आई है
कि हमको लगातार लोगों को लेके आना है, लगातार लोगों को लेते हुए आना, लगातार लोगों को लेते हुए आना। और ये मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर, दुनिया के अमेरिका के नेटवर्कर, वर्ल्ड लेवल के जो नेटवर्कर हैं, वो भी एक ही बात बोलते हैं। ये बीच में अगर आप फोटो देखेंगे तो बीच में नीचे से जो बीच में एक फोटो है, इसमें मिस्टर बिलब्रिट जी है जो बीच में यूएसए आर्मी लिखा हुआ है, ब्रिट लिखा हुआ उनके उनके नेम प्लेट पे। तो ये मिस्टर बिलब्रिट जी है बीच वाले, और इन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि देयर इज नो सीक्रेट, यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में इनका नाम आता है, और बगल में इनकी मैडम है पैगी, और ये बिलब्रिट है। इन्होंने एक ही बात बोली थी, ये हम लोगों ने स्लाइड काफी बार देखी होगी, आज फिर देख रहे हैं कि इन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाई। कई लोग सोच रहे होंगे सर 1200 लोगों को कैसे प्लान पर दिखाए, अरे जूम पे 1200 नहीं 12000 को भी दिखा सकते हो। आपका मतलब डिसीजन आपको लेने की जरूरत है, एक बार अगर आप हौसला कर देंगे तो जूम पे ये पॉसिबल है। 1200 लोगों को प्लान दिखाई, 300 ने ना बोला, 900 ने ना बोला, 300 ने हाँ किया, साइन अप किया, उसमें से 300 में से 85 ने काम किया थोड़ा मोड़ा, और 85 में से 35 ने सीरियसली काम किया, और 35 में से 11 लोगों ने इनको मिलियनेयर अरबपति बना दिया। दोस्तों ये जो स्टेप है, हमारे जो बेसिक स्टेप है, इनको फॉलो करके कैसे हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत बढ़िया हमारे को रास्ता सिखाया दुनिया के महान नेटवर्कर ने। और दोस्तों एक बात और जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जीवन में इन्होंने भी बोला है अप डाउन आ सकते हैं, अप और डाउन आ सकते हैं, हमेशा हमको एक्शन में एक्शन मैन और प्रोसेस मैन बनना है। मतलब हमने खुद एक्शन करना है और प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, एक्शन करना है प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। क्या एक्शन हो सकता है हमारा, हमको एक ही बात सोचना है क्या एक्शन हम कर सकते हैं। और बिलब्रिट जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि सेटिंग द गोल एंड अचीविंग द गोल। कंपनी ने बहुत बढ़िया टारगेट दिया है, उस टारगेट के लिए डेली गोल सेट करें कि इतना बीवी हमको निकालना है और उसको अचीव करें, फिर रीसेटिंग द गोल एंड रीअचीविंग द गोल। इन्होंने बहुत बढ़िया ये बात बताई कि हमारे का गोल सेट करना और रीसेट करना, रीसेट करना गोल को और फिर रीअचीव करना। तो हमारे को गोल सेट करते रहना चाहिए, अचीव करते रहना चाहिए, गोल सेट करते रहना चाहिए, अचीव करते रहना चाहिए। एंड यूज ऑफ टूल्स, अभी ये टूल्स का हमको उपयोग करना है। अभी कोरोना काल में सबसे बड़ा टूल है लैपटॉप, सबसे बड़ा टूल है टैबलेट, और हमारी कंपनी ने हमारी टूल्स की और महत्व समझा और लैपटॉप और टैबलेट फ्री में जीतने का एक मौका दे दिया। मैं चाहता हूं कंपनी के लिए एक बार ऊपर हाथ करके एक बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां। और इस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाते जाना है, प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत बढ़िया खूबसूरत यहाँ पे लिखी है लाइन कि सिस्टम फॉरएवर है, सिस्टम हमेशा है, हम लोग आते जाते रहेंगे। इस सच्चाई को समझना जरूरी है, सिस्टम को उचित श्रेय देना चाहिए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। खुद को कभी प्रमोट नहीं करें, केवल सिस्टम को प्रमोट करें, टीम को प्रमोट करें, अपलाइन को प्रमोट करें, डाउनलाइन को प्रमोट करें, लेकिन कभी भी खुद को प्रमोट नहीं करें। और सिस्टम को प्रमोट अगर हम करेंगे तो सिस्टम को अगर हम राजा बनाएंगे तो सिस्टम हमारे को महाराजा बना देगा। तो हमेशा सिस्टम को प्रमोट, सिस्टम की चीज टूल्स को प्रमोट करें। और सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि देखो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो खुद करके दिखाते हैं, खुद कुछ करके दिखाते हैं, बड़ा करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे लीजेंड्स, हमारे लीजेंड्स लोगों ने करके दिखाया, हमारे ग्रेट महागुरु जी चतुर्वेदी साहब ने इतनी बड़ी टीम बढ़ाई, जैन साहब ने, और बहुत सारे लीडर्स हैं आपके साथ में, इतने सारे लीजेंड जिन्होंने 1,000,000 से ज्यादा की टीम बना के दिखाई है। तो दोस्तों कुछ लोग, पहले लोग, पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं, और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो हो रहा होता है उसको देखते रहते हैं, बोला यार किसका क्या हो रहा है, कौन डायमंड बन गया, कौन क्या रह गया, कौन हो गया। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो हैरान होते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो तीन तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, हमने डिसाइड करना कि हम कौन सी तरह के लोगों में बनना है। और मुझे आई एम श्योर कि जितने भी लोग पैनल पे हैं और जितने भी लोग मुझे अभी यूट्यूब लाइव से सुन रहे हैं, सारे के सारे लोग पहली कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी पहली कैटेगरी में आने का डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। और जब मैंने पहली भी कैटेगरी में आने का निर्णय लिया तो मुझे समझ में आई कि सिस्टम की कुछ बातें हैं जो कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं, और जो कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं वही बड़ा इतिहास लिखते हैं। क्योंकि केवल ज्वाइनिंग करना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दिस इज नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी डील नहीं है, ज्वाइनिंग कहीं पर भी कभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता है, जो सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है वो बिग डील है, वो उसको बहुत बड़ा मतलब लेवल पे पहुंचाती है। तो ये पांच बातें हम लोग डिस्कस करेंगे,
कि पहली क्या क्या पांच बातें हैं जिनको अगर हम डील कर जिनको अगर हम वो करते हैं, फॉलो करते हैं, अडप्ट करते हैं, तो हमारी जो सफलता है बहुत आसमान को छुएगी, बहुत मतलब सफलता हमेशा आगे बढ़ती जाएगी और लोग आपका एक एग्जाम्पल दे के काम किया करेंगे। दोस्तों पहली बात है कि पहला हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। हम खुद यूज करेंगे तभी तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब हम कॉन्फिडेंस से सामने वाले के साथ में बात करते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस सामने वाले के को दिखता है, उनके हमारे एक्शन में हमारी बातों में झलकता है, और जब जब वो झलकता है तो इसका मतलब सामने वाला सोचता भी है कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिस्टम का स्टेप है वो 100% यूजर हमको बनना है और अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करना है। और जिस जिस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं आप देखेंगे कि उनके बारे में बहुत अच्छे से बता भी पाते हैं। दूसरी बात सिस्टम की है कि लगातार हमें सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड किताबें पढ़नी है और सिस्टम के ऑडियो वीडियो सुनने होंगे। लगातार अगर हम सिस्टम की किताबें पढ़ते रहते हैं और ऑडियो वीडियो सुनते रहते हैं तो आप लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में बने रहेंगे, आप लगातार अपना विकास करते रहेंगे, लगातार आपका डेवलपमेंट होता रहेगा, आप अपनी टीम को हैंडल करने में, टीम को डील करने में सक्षम बनते रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे साथ जिन्होंने एक ही काम सोचा था कि केवल यहाँ पे लोगों को लेके आ जाओ, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। लेकिन मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई भी ऐसी किताब नहीं जो अपलाइन ने रिकमेंड की और मैंने पढ़ी नहीं हो। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई किताब किताब वाले की दुकान पर नहीं मिलेगी जो मैंने नहीं पढ़ी, नहीं ली और नहीं पढ़ी हो। मैंने पक्का पढ़ी है, पक्का ली है, और पढ़ना, किताबों को पढ़ना मैंने जिम्मेदारी समझा। क्योंकि अगर हम किताबों को पढ़ेंगे जिस धंधे में है, उस धंधे में अगर हमको मास्टर बनना है, अगर उस धंधे का बापू बनना है, अगर उस धंधे में एक्सीलेंट कुछ अचीव करना है, तो दोस्तों उस धंधे की जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी मिलती है पढ़ने से। और किताबें पढ़ने से एक फायदा और है कि किताबों से ना थर्ड पार्टी होती है, किताबों की बातें सीधा हमारे दिमाग में जाती है। किताब में लिखा हुआ शब्द कोई भी हमारा उस किताब से कोई भी मतलब ये लॉजिक क्या बोलते हैं, हम लोग लॉजिक नहीं देते किताब को। अपलाइन अगर हमको कुछ बोले तो हो सकता है हम दिमाग लगाएं, अपलाइन अपने फायदे के लिए बोल रहा होगा, हो सकता है हम दिमाग लगाएं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। लेकिन किताब कुछ भी बोलेगी आप चुपचाप उसको पढ़ेंगे और कोई लॉजिक नहीं देंगे और सीधा आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो किताबें आदमी को आगे बढ़ाने में, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी जब लाखों की टीम बनेगी, करोड़ों की टीम बनेगी, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज मतलब आपको काम आएगी तो आपको पढ़ी हुई किताबें आएगी, आपकी माइंडसेट आएगी और आपके सिस्टम के द्वारा सुने हुए ऑडियो वीडियो आएंगे। अभी किताबें पढ़ने से और ऑडियो वीडियो सुनने से हमको एक बात का और पता चला कि जो व्हाट्सएप के हम ग्रुप बनाते हैं ये एक्चुअली जस्ट लाइक ए क्रॉस लाइनिंग है। व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं क्रॉस लाइनिंग की तरह होते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप हमको नहीं बनाना चाहिए, हमको व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? मान लो कोई भी आपने आपकी टीम है, मान लो अपलाइन ने आपको ऐड कर रखा है। पहले तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, हमारे ग्रेट महागुरु जी राधिक चतुर्वेदी साहब ने कोई भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया और हमारे लोगों को नहीं ऐड करके रखा, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना रखी है। जब भी उनको कोई मैसेज देना होता है और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मैसेज दे रहे हैं। और हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन सर ने भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना रखा है और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही वो हमारे को मैसेज देते हैं। मैंने कोई भी ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया अपने डायमंड्स का या अपने लीडर्स का। और मैं भी मुझे जो मैसेज देना होता है मैं ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के थ्रू देना पसंद करता हूँ या ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के थ्रू ही देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें चलती रहती है, ये सारा का सारा चलता रहता है और ये मैं करता रहता हूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोगों ने हमेशा एक ही काम करना है, एक ही चीज को करना है, और करना है तो किस चीज को करना है, हमारे को हमेशा ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट ही बनानी है, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप ही बनाना है। और ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाएंगे हम लोग तो ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम सही नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के माध्यम से हम सारी की सारी टीम को मैनेज कर सकते हैं और करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो क्रॉस लाइनिंग कहलाता है, कहलाता है। और मान लो क्रॉस लाइनिंग के, मान लो बहुत सारे आपके अप्लाई ने बहुत सारे लोगों की लिस्ट बना ली और उसमें से कोई आदमी कुछ गलत उसमें मैसेज डालता है या कोई आदमी इधर उधर कहीं भटकता है, कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसकी होती है, तो क्या करेगा, उस सारे ग्रुप में गंदगी फैलाता है। तो अगर लेकिन आपके पास नंबर, आपका दो लोगों के पास आपका नंबर होना चाहिए और आपका भी आपके पास भी दो लोगों का नंबर होना चाहिए। जैसे मेरे पास केवल मेरे अपलाइन के और मेरी टीम के लोगों के नंबर है, तो आपके पास भी अपने अपलाइन का नंबर होना चाहिए और आपकी डाउनलाइन का नंबर होना चाहिए। आपके पास आपकी डाउनलाइन का ग्रुप होना चाहिए और आप अपने अपलाइन के ग्रुप में होना चाहिए। आपका आप अपने कोलाइन के ग्रुप में या आप अपने ऐसे लोगों के साथ में कोलाइन के साथ में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोलाइन ब्रदर लाइन है, उनकी इज्जत करें, सम्मान करें, प्यार करें, लेकिन डिस्कस बिजनेस के बारे में उनसे कोई डिस्कस नहीं होता है। तो इसलिए ये हम लोग ध्यान रखें कि ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट का सहारा लें और कोई भी ग्रुप नहीं बनाएं, क्योंकि ग्रुप एक्चुअली में देखा जाए तो जस्ट लाइक ए क्रॉस लाइनिंग कहलाता है। और हम लोग सिस्टम की बातों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, सिस्टम से, किताबें पढ़ने से, सिस्टम के ऑडियो वीडियो सुनने से ही ये चीजें हमने सीखी, और ये चीजें आप भी अगर सीखेंगे तो इन चीजों से आपको कभी लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, तीसरी बात तो सिस्टम की है कि सारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, अटेंड ऑल मीटिंग्स। जितनी भी अभी आजकल जूम में मीटिंग होती है आपके अपलाइन द्वारा रिकमेंडेड, जो भी अपलाइन आपका बताता है, वो सारी मीटिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। अगर सारी मीटिंग अगर आप अटेंड करेंगे तो आप अपने ग्रुप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, बहुत आगे उनको बढ़ा सकते हैं और बहुत आगे अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मीटिंग अटेंड क्यों करना है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको अगर कुछ भी सीखना है तो हम मीटिंग के थ्रू ही सीख सकते हैं, और मीटिंग के थ्रू हम सीख सकते हैं तो मीटिंग में लगातार हमको रहना चाहिए, मीटिंग को लगातार हमको फॉलो करना चाहिए। और मीटिंग ही है जो हमारे को कोर बनाएंगी, जो हमारे लोगों को कोर बनाएंगी, मीटिंग ही है जो हमारी नॉलेज को बढ़ाएंगी, और मीटिंग है जो हमारे को हौसला देंगी। चौथी बात जो है कि लगातार बेसिक एक्टिविटी को करना है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा, अगर दो शब्दों में बोला जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग को केवल दो शब्दों में समझाओ साहब, तो दो शब्दों में दो ही शब्द ये हैं कि कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। लगातार हमको बेसिक स्टेप्स को करते जाना है और बेसिक स्टेप को लगातार दोहराते जाना है और लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना। यहाँ पे मैथमेटिक्स में एक्चुअली 10 में से अगर -3 कर दिया जाए तो 7 होता है, लेकिन अगर 10 दिन काम किया जाए और उसमें से 3 दिन काम नहीं किया जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में 10 में से माइनस अगर 3 किया जाए तो 0 हो जाता है। अगर आदमी 10 दिन लगातार काम करे, 3 दिन नहीं करे, तो उसका जो मोमेंटम होता है 0 पे पहुंच जाता है। और हमको इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी हमारे काम में लगातार होनी चाहिए। किसी भी हालत में 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, लगातार हमको काम करना चाहिए, ताकि बाद में जब आपकी बड़ी एक टीम बन जाए, बड़ा एक ग्रुप बन जाए, बड़ी एम्पायर बन जाए, उस टाइम पे आप 10 दिन भी काम नहीं करेंगे तो भी आपका आउटपुट 0-10% रहेगा, 10 रहेगा। लेकिन अभी शुरुआत में जब तक आपकी लाखों की टीम नहीं बनती है, आपको कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात बहुत बढ़िया जो मैंने सीखी कि आपको अपनी अपलाइन, आपकी जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उसकी गाइडलाइन में रहना चाहिए, लगातार काउंसलिंग करना चाहिए। अगर आप लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं, लगातार आप अपलाइन की गाइडलाइन में रहते हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप कहीं पे भटक नहीं सकते और लगातार आप ग्रो करते जाएंगे। तो दोस्तों, इनको पांचों बातों को एक बार मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि केवल ज्वाइनिंग करना, डायरेक्ट सेलिंग में कोई बिग डील नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में इतिहास और लिखता है जो अपने सिस्टम को अडॉप्ट करता है। पहली बात, 100% हमको प्रोडक्ट का यूजर बनना है। दूसरी बात, हमको लगातार सिस्टम की रिकमेंडेड बुक और ऑडियो वीडियो सुनने हैं। तीसरी बात, हमको सारी ऑनलाइन मीटिंग करनी है और सारी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। और चौथी बात, लगातार बेसिक एक्टिविटी को करना है और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ इसमें काम करना है, हर हाल में लगातार काम करना है। और दोस्तों, इसमें आपको अपनी अपलाइन और एक्टिव अपलाइन और ग्रोइंग अपलाइन के साथ में हमेशा टच में रहना है, उनकी गाइडलाइन में रहना है और लगातार काउंसलिंग करते जाना है। अगर ये पांचों चीजें आप करते हैं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, और ये जो बिजनेस है आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ये पांचों बातें देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इनमें जो दम है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, वो दम और किसी बात में नहीं है।
ये पांचों बातें जरूर अपने दिमाग में बैठा लें और हर नए बंदे के दिमाग में आप बैठा दें कि आप चाहे तो इस बिजनेस में इस अपॉर्चुनिटी में बहुत आगे तक जा सकते हैं और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों मैं ये और बताना चाहता हूं कि साथ साथ में कुछ प्रिंसिपल हैं इस बिजनेस के। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत पवित्र बिजनेस है, मेरा ऐसा मानना है, और ये बड़ा पुण्य का काम है, ये बड़ा पुण्य का काम है और बड़ा पवित्र बिजनेस है, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें कुछ प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल के ऊपर हमको चलना पड़ता है और चलना बहुत जरूरी है। पहला प्रिंसिपल यहाँ पे आता है सच्चाई, यहाँ पे झूठ नहीं चलती, क्योंकि हम ट्रस्ट के बिजनेस में है। किसी बंदे को ट्रस्ट होगा हमारे साथ तभी वो रह पाएगा। दूसरा ईमानदारी, अपनी खुद से अपने काम से ईमानदारी रहना बहुत जरूरी है। अगर हम लगातार ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम लगातार ईमानदारी के साथ हम पेश नहीं आ रहे हैं अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, तो कहीं ना कहीं हम उनसे उनको खो देंगे, सही है। तो ईमानदारी यहाँ पे बिल्कुल कूट कूट के भरी होनी चाहिए और ये आपकी पर्सनैलिटी का मतलब एक हिस्सा होना चाहिए कि आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। नेक्स्ट है नेक दिली, आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचें। लोग आपके आपके बारे में तभी आप अच्छी राय बना पाएंगे जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे। और आपने शुरुआत में आपने देखा कि हमने प्रार्थना भी की कि भगवान हमें शक्ति दे हम लोगों का भला कर सके। तो एक नेक दिली के साथ आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं, जो भी आपकी टीम में आया, जिसको भी कोर बना रहे हैं, इसलिए प्लान दिखाएं ताकि वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने, इसलिए प्लान दिखाएं ताकि वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने, और इसलिए कोर बनाए ताकि वो बिजनेस में बहुत आगे ऊंचाइयां छुए और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे। दोस्तों प्यार मतलब दूसरे किसी से भी नफरत करने की जरूरत नहीं है। हमने जो लोग हमारे साथ में काम करना चाहते हैं उनके साथ काम करें और प्यार सबसे करें, क्योंकि किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव सोचने से बोलने से कभी कोई फायदा होता नहीं है। और जुनून हमारा होना चाहिए, जुनून जिस लीडर के पास है, पैशन जिसको हम बोलते हैं, बोला भी जाता है गर्मी ना ऊन में होती है ना जुनून में होती है, अगर असली गर्मी होती है तो जुनून में होती है। और जिस आदमी में जुनून होता है वो आदमी बहुत बड़ा काम यहाँ पे करके दिखाता है। और जुनून एक ही होना चाहिए कि मैं हर बार जो कंपनी टारगेट दे रही है मैं टारगेट को जीत के दिखाऊंगा, मैं सारे के सारे जो पांच प्रिंसिपल है हमारे इस बिजनेस के उनको फॉलो करके दिखाऊंगा, सारे के सारे जो पांचों बातें हम लोगों ने डिस्कस करी उनको फॉलो करके दिखाऊंगा और अपने अपलाइन से टच में रह के दिखाऊंगा। लोग आपके सपने में इन्वेस्ट करते हैं, लोग आपके साथ में आगे काम कर रहे हैं, कोई दो साल से कोई एक साल से तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? आपने हमेशा एक सवाल पूछना है, हमेशा आप अपना सपना उनके साथ में डिस्कस करें, क्योंकि आपको आपके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता, वो आपके सपने में इन्वेस्ट करते हैं लोग अपना। तो आप अपना सपना डिस्कस करें, उसको अचीव करें, आपके सपने को अचीव करते हुए देख के उनमें भी विश्वास बढ़ जाएगा, वो भी आपको फॉलो कर पाएंगे, वो भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप अगर डायमंड बनते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक हौसला मिलता है, आप अगर क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक हौसला बनता है, तो आप अगर टारगेट जीतते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक टारगेट जीतने का एक हौसला बन जाता है। दोस्तों हमेशा ग्रेटफुल रहे, डाउनलाइन अपलाइन कोलाइन कंपनी सिस्टम और इवन पूरे ब्रह्मांड के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जिनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है वो लोग भगवान के और उस परम पिता परमेश्वर के और उस सुप्रीम पावर के बहुत नजदीक होते हैं। और मैंने देखा जितने लोग भी सफल हैं, टॉप पे हैं और टॉप अचीवर हैं, वो लोग बहुत ग्रेटफुल रहते हैं अपने सिस्टम के, अपलाइन के, कोलाइन के, डाउनलाइन के, सारे लोगों के लिए ग्रेटफुल रहते हैं। तो हमेशा हमको ग्रेटफुल रहना है, जो भी हमको मिला है सिस्टम से, कंपनी से, अपलाइन से, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। जितना हम ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे उतना ज्यादा हमको मिलता जाएगा, मोर ग्रेटफुल मोर अचीवमेंट, मोर ग्रेटफुल मोर अचीवमेंट। और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक बार एक बहुत बड़ा मतलब बहुत रईस आदमी था और भगवान से एक उनके पास में पहुंचा हुआ एक संत पहुंचा, वो पहुंचा हुआ संत जैसे उसके पास गया, संत आदमी के पास, तो संत आदमी को उसने बोला कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अभी भगवान को बोलो कि आगे और कुछ ना दे, क्योंकि इतना दिया भगवान ने मुझे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, बहुत यूज कर रहा हूँ, बांट भी रहा हूँ, लेकिन भगवान को अभी बोलना और ना दे, क्योंकि वो जितना दे रहा है उसकी रहमत के आगे मैं सिर उठा नहीं पा रहा हूं। और तो उसने संत ने बोला ठीक है। दूसरी बार उनको एक भिखारी मिला, वो भिखारी ने संत को बोला कि भगवान से आपकी बातें होती है, आप भगवान को बोलना मेरे को आज तक उसने कुछ नहीं दिया और हमेशा कुछ भी नहीं देता है, मेरे को ऐसे कष्ट देने के लिए रखा क्या इस दुनिया में। तो भगवान ने के पास जब उस संत ने बातें की तो भगवान ने उनको बोला
ये जो संत बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं मिला, उसको कुछ और कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा शिकायतें करता रहता है। उसको इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है, संसार को देख पा रहा है पूरा, उसका फिजिकली फिट है, सारी चीजें हैं, जो मिला उसको उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, इसलिए उसको कुछ और नहीं मिलेगा। और लेकिन जो आदमी बोलता था, बोला भगवान ने बहुत ज्यादा दे दिया है, उसको बोलो अभी देना बंद करे, तो उसने बोला नहीं नहीं जब तक ये ग्रेटफुलनेस या कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद देना ये बंद नहीं करेगा, तब तक मैं इसको देना बंद नहीं कर सकता, मैं तो देता ही रहूंगा, इसको देता ही रहूंगा। और इसका मतलब दोस्तों, भगवान से भी अगर कुछ अगर हमको लेना है तो ग्रेटफुल होने की जरूरत है, और लगातार ग्रेटिट्यूड रखने की जरूरत है, हमको कृतज्ञ रहने की जरूरत है, और कृतज्ञता हमारे को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाती है। लोग आपके साथ क्यों काम करें, क्यों अपना समय इन्वेस्ट करें, ये सवाल हमको हमेशा बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। क्या मैं उनके लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं जो हमारे साथ में समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है? तो ये सवाल भी हमने अपने आप से पूछना चाहिए, और लगातार अपने अंदर इन्वेस्ट अपना अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। हमेशा अपने आप से एक सवाल और पूछे कि क्या लोग इस बिजनेस में कामयाब काम कर रहे हैं, तो सवाल जवाब आएगा यस। क्या लोग डायमंड बन रहे हैं, जवाब आएगा यस। क्या लोग चेक कमा रहे हैं, जवाब आएगा यस। क्या लोग सफल हो रहे हैं, जवाब आएगा यस। तो अगले वाला जवाब आपका यस आना चाहिए। अगर सारे लोग चेक कमा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, तो भाई साहब कर तो मैं भी सकता हूं। तो ये सवाल हमको बीच बीच में अपने आप से पूछना चाहिए, और हमेशा बने रहे और लगे रहे, सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। और जैसे आप मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में 20 करोड़ के क्लब में एंट्री किया है, ऐसे ही क्लब में आप भी एंट्री जरूर करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। और कौवा और बाज की बहुत बढ़िया कहानी है, जब बाज कौवा और बाज की एक बहुत बढ़िया कहानी है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज को चोंच मारने की हिम्मत करता है, जो बाज को चोंच मारने की कोशिश करता है, कौवा उसकी पीठ पे बैठ जाता है, उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाता है, बाज उस वक्त कुछ नहीं करता, बस वो अपनी गति से आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म कम हो जाती है, और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे आए, आप उनसे विचलित मत होइए, ऊंची उड़ान भरते जाइए, और एक समय ऐसा आएगा कौवे खुद मर जाएंगे। तो आप हमेशा अपने आप को आगे उठाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता के लिए कितने भूखे हैं, क्योंकि जब शेर भूखा रहता है तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है, सही है? तो हमारे को भी भूखा होने की जरूरत है अपनी सफलता के लिए, अपनी भूख को बढ़ाएं और सिस्टम की सारी बातों को फॉलो करें। दोस्तों, Amazon has also no store. Amazon के पास कोई स्टोर नहीं है, Uber के पास कोई कार नहीं है, Facebook के पास कोई कंटेंट नहीं है, Alibaba के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। ऐसे ही हमको भी बड़ी टीम बनानी है, और हमारी कंपनी को कई लोग बोलते हैं, बोला आपके स्टोर नहीं है, ये नहीं है, हमारा वेयर हाउस बहुत बड़े हैं, लेकिन बोलते हैं स्टोर नहीं है, लेकिन स्टोर नहीं है तब भी जब Amazon दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी बन सकती है, और इंडिया की सबसे नंबर वन कंपनी बन सकती है, तो इसका मतलब ऑल टाइम हम लोग हाई रहने वाले हैं। दोस्तों, लीडरशिप, मोटिवेशन, विजन, लीडरशिप अगर हमको दिखानी है तो मोटिवेट रहना पड़ेगा, विजन अपने को रखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, टीम के साथ में काम करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, और सफलता तब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, प्रायोरिटी दे, बिजनेस को हमने प्रायोरिटी देनी है, लेकिन असली हकीकत क्या है, हमको हमेशा अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। MBBS का अगर टेस्ट है और एक आदमी के घर में उसकी सिस्टर की शादी है, तो कहां जाएगा वो बंदा, कहां जाएगा? MBBS का MBBS का टेस्ट देने, MBBS का टेस्ट देने के लिए जाएगा। और दूसरा बंदा जिसको गवर्नमेंट, मान लो फौज में, उसको ज्वाइनिंग का लेटर मिल गया गवर्नमेंट में, उसी दिन गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग की डेट है, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, उसी दिन सिस्टर की मैरिज है, कहां जाएगा सर? गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब में। और उसी दिन सिस्टम का फंक्शन है और उसी दिन सिस्टर की मैरिज है, कहां जाएगा? सिस्टर की मैरिज में। तो लोग बोलते तो है, हम लोग इसमें आप दे रहे हैं, और होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, वर्सेस हमारे सिस्टम का फंक्शन, तो लोग किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं देखो। लेकिन अगर बिजनेस को हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो हम लोग बहुत इसमें आगे जा सकते हैं। दोस्तों, टीम का महत्व हमको समझ में आना चाहिए। टीम, दमदार टीम में दमदार लीडर होते हैं, और बड़ा राजा अपनी फौज की वजह से बड़ा राजा होता है, और लीडर भी अपनी टीम की वजह से बड़ा लीडर बनता है। तो अगर हमको बड़ा लीडर बनना है तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, और बड़ी टीम बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है छोटे छोटे स्टेप, जूम पे धूम मचाना पड़ेगा, और वर्तमान में जीना है हमको, हमेशा खुश रहे,
वर्तमान में जिए, खुश रहे। इसलिए बहुत बढ़िया श्री कृष्ण जी ने लिखा भी है कि तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी, तुम्हारे न रहने से पृथ्वी पर या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जिए और ढंग से जीना शुरू करें। और इंसान जन्म लेता है और फिर वहीं पे पहुंच जाता है और ऐसे ऐसे जन्म लेता रहता है। एक्चुअली इंसान मरता नहीं है, तो नया जन्म हो जाता है सही बूढ़ा शरीर होने के बाद। तो इसलिए हमेशा खुश रहना है और आपने और हमने हमेशा अचीवमेंट लेते जाना है और हमेशा सिस्टम की बातों को ध्यान रखना है कि सिस्टम हमेशा हमारे को बहुत आगे लेके जा सकता है। सिस्टम ही हमारे को बहुत आगे लेके जा सकता है और सिस्टम हमारे को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस लोगों ने जिसने सिस्टम की बातों को फॉलो किया और सिस्टम को अडॉप्ट किया, वो लोग आज कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे, अच्छे अचीवर लेवल पे हैं। और जिन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया और वो लोग आज की डेट में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, दिल से अडॉप्ट कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आएंगी, बहुत सारे अचीवमेंट आएंगे, बहुत सारी आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन, मान सम्मान और आपके ड्रीम पूरे होंगे। दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सिस्टम की पावर हमारे ग्रेट मेंटर्स ने और सक्सेसफुल सिस्टम ने सिखाई है, बताई है, दिखाई है, उस सिस्टम को हम लोग 100% फॉलो करें, सफलता भी 100% मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। Wish you all the best. Go diamond.